ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देख पोटेंशियल, देखो पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था मुझे, राइट? ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रांसफर यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मान लो बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? ए से बी ले जा रहे हो, ठीक है? आपने कितना काम, ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया? डब्ल्यू जी, ठीक है? कितने मास को ले जाने में? एम मास को ले जाने में कितना काम किया? डब्ल्यू जी। तो यूनिट मास को ले जाने में कितना काम किया होगा? डब्ल्यू जी बाई एम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो सर क्या करना होगा बच्चों? नेगेटिव लेना होगा। ये क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए, क्या होगा? माइनस डब्ल्यू जी बाई एम, ठीक है? इस पर क्वेश्चन भी कराया था आपको, अरे याद है? अरे भाई ये वाला कि जीरो जीरो से फाइव कॉमा फोर पर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे बच्चों? फील्ड दे रखी थी टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है? देखो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस ही पता करना था और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ही पता करना था। मैंने बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अपोजिट लगता है। क्यों अपोजिट लगता था? अरे स्लोली स्लोली ले जा रहे थे, ठीक है? अब देखो जीरो जीरो से बच्चों ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? जीरो से फाइव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, और फील्ड भी किधर है बच्चे तुम्हारे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो फोर्स लगता है क्या होता है? एफ क्या होता है? यहाँ पर एम इंटू ई होता, नहीं होता ई, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट मास पर फोर्स। तो एम मास पर फोर्स कितना होगा? एम इंटू ई, ठीक है? ये क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट में किधर हो रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है? तो क्या आएगा तुम्हारा? अरे बोल रहे क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे भाई फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्डन क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, वर्डन निकालो क्या होगा बच्चों? वर्डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? एम ई इंटू डी आर। अरे ये होगा, नहीं होगा बच्चों? यही होगा। अरे ये फोर्स है, वर्डन क्या होता है? एम डॉट डी आर। अरे होता नहीं होता, फोर्स क्या होगा? एम ई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी आर। एम कितना था बच्चों? कितना मास था? 1 के जी था, 10 के जी था, 10 के जी था। E कितना बच्चों? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डी आर कितना होगा? क्या बताया था? अरे डी आर क्या लिखते हो? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, 20, 2 डॉट डी एक्स क्या होगा? सॉरी डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? कहाँ तक वेरी कर रहा है एक्सपोनेंट? 0 से 5। और इसी तरह क्या होगा? 3 इंटू 10 क्या होगा? 30। और क्या बचेगा? डी वाई, कहाँ से कहाँ तक एक्सपोनेंट? 0 से, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0 से 4। ये आ गया, तो कितना आ जाएगा? 25 जा 100, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 34 जा 120, तो कितना आ जाएगा? 220। ये वर्क डन बाय क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बच्चों? माइनस 220। अरे इसका माइनस कर दो, माइनस 220 जो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अरे भाई डेल्टा वी क्या होगा दोनों के बीच? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यही होता है। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 220, उसका निगेटिव क्या होगा? माइनस 220 डिवाइड बाय 10, कितना आ जाएगा? माइनस 22 जूल पर केजी। मैंने उसमें डीवी इक्वल टू ई डॉट डीआर से किया था। अरे ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अरे डेफिनेशन क्लियर है, देखो मुझे क्या क्लियर है सर? डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्लियर नहीं कर लिया बच्चों? मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया, मैंने क्या कर लिया? वर्क डन फाइंड कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? माइनस डब्ल्यू जी भाई हम, ये कर लिया। एक्सटर्नल फोर्स कारण क्या होगा वो, ठीक है? अरे इसमें कोई इस चैप्टर कोई कंसेप्ट लगाया क्या? नहीं, मतलब ये लगाया है इस चैप्टर का, सिर्फ ये लगा है कि फोर्स क्या होता है? एम इंटू ई, बाकी क्या है? वर्क डन, ठीक है? अरे अगली बात समझे। इसके बाद बच्चों मैंने पोटेंशियल
एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताया। अरे वी बी माइनस वी ए क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास, ये होता है। मैंने बताया था अगर तुमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है, और जब अगर मान लो तुम्हारी हाइट कैलकुलेट करनी है मुझे, तो क्या मानता हूँ ग्राउंड क्या है तुम्हारा, जीरो। ग्राउंड क्या मानता हूँ, जीरो। ग्राउंड को जीरो हाइट पर मानता हूँ, ठीक है। बट मान लो कहीं गड्ढा खोद खड़े हो जाओ तो ग्राउंड जीरो हाइट पर नहीं होगा, तो एक को जीरो मानते नहीं मानते। अगर मैं ए को जीरो ले दूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस जीरो क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू जी बाई एम। तो ये सिर्फ वी बी आ गया, नहीं आ गया, मतलब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता रहा, नहीं बता रहा, अरे बता रहा, नहीं बता रहा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के क्या करना पड़ेगा, एक को जीरो करना पड़ेगा। और किसका पोटेंशियल जीरो करते हैं, इन्फिनिटी पर जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। अरे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताओ क्या थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रांसफर यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब यहां पर अदर पॉइंट, वन पॉइंट क्या हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रांसफर यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल तुमको डिफाइन करना है, तो क्या होगा, इनफिनिट से 1 केजी के मास को उस पॉइंट पर ले जाने में, ठीक है ना। मान लो डब्ल्यू जी का हम क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका माइनस, क्या होगा डेफिनेशन फिर से बोलो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रांसफर यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। इसका यूज करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है, फ्री के लिए नहीं पढ़ रहे। देखो इसके बाद था बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया। हम कई सिस्टम पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये मैं बता रहा हूं। पहले लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट मास, सॉरी यस मास, पॉइंट मास, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट मास m है बच्चों, और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट एड सबट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, बताया था। मान लो r डिस्टेंस पर बच्चों पॉइंट p है, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता करना है, vp मुझे पता करना है। तो देखो कैसे चलेंगे बच्चों, कोई बताना चाहेगा कैसे करेंगे, इस पॉइंट p पर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है, इनफाइनाइट से बच्चों 1 केजी के मास में यहां तक ले आएंगे, वो जितना वर्क किया वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और उसका नेगेटिव करना पड़ेगा। मान लो बच्चों अब देखो इंटीग्रेट करना पड़ेगा धीरे 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 ले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से मान लो एक्स डिस्टेंस पर आपका, अभी तुमने यहां तक ले आया है, ठीक है, कितना है बच्चों 1 केजी का है, ठीक है। अब बताओ इधर फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, अरे एम के जी वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, जी एम इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब जब इधर ले आओगे बच्चों, ठीक है, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा पॉजिटिव वर्क करेगा निगेटिव वर्क करेगा, पॉजिटिव, क्यों, हाँ सही बोल रही हो, कब आ, अरे इधर ले आ रहे हो उसके पास, हाँ सही बोल रहे हो, अरे भाई अट्रैक्ट करता नहीं करता ये, तो फोर्स इधर लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो नेट वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों f into इसी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर, अगर सोचो इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैं बार बार दो बार मिस्टेक कर चुका हूँ क्लास में, ये इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अब मैं सपोज
गलत इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर मुझसे। वोल्टन क्या है बच्चों, एफ डी एक्स, सभी सहमत हो मुझसे? अरे अभी तो सहमत हो भाई, बताओ क्या मिस्टेक की है, कहाँ से ले आ रहे हो बच्चों, इन्फिनिटी से ले आ रहे हो, कहाँ तक, पी पर, पी पर पोजिशन वेक्टर क्या है आर, अरे भाई पी पर एक्स की वैल्यू क्या जाती है आर, यही होगा। एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी से आर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, जी एम बाहर ले लो, अरे जी एम बाहर ले लो तो कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा बच्चों, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अरे होगा। अब डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स, अरे भाई एक्स की पावर एन का इंटीग्रेट क्या होता है बताओ, एफ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पर पावर क्या एक्स की, माइनस टू, तो क्या होता है एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या आएगा माइनस वन, और यहाँ पर क्या है एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स, अरे एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है वन बाई एक्स, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया जी एम माइनस वन बाई एक्स, क्या होगा बच्चों इनफाइनाइट से आर, किसी कोई दिक्कत, ये क्या होगा जी एम, अब रखोगे आर तो क्या आएगा बच्चों माइनस वन बाई आर माइनस माइनस वन बाई इनफाइनाइट, वन बाई इनफाइनाइट बच्चों जीरो होता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये माइनस जी एम बाई, देखो ये कंट्राडिक्ट कर रहा नहीं कर रहा बच्चों, देखो गलत है नहीं गलत है, ये आंसर आना नहीं चाहिए था, क्यों नेगेटिव आ रहा है, बताओ कहाँ मिस्टेक की है, ये मिस्टेक मैं दो बार कर चुका हूँ फिर मुझे याद आ रहा है कहाँ पर मिस्टेक की, अरे ठीक है मैंने लिमिट सही रखी, ये इनिशियल था ये फाइनल था, ठीक है, सब कुछ फोर्स भी सेम रखा है, गलती क्या हुई है, हाँ अभी तो सर वोल्टन में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहा है ना, पोटेंशियल अभी तो नहीं निकाल रहा है, देखो dx क्या होता है बच्चों, नहीं छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगर मान लो तुमको तुमने मोशन नहीं पढ़ी होती तो dx क्या होता है, मैंने तुमको सपोज बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है बस, तो क्या होता है स्लोप ऑफ चेंज इन x होता है, स्मॉल चेंज इन x, क्या है स्मॉल चेंज इन x, ये dx, अच्छा बताओ x कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो dx क्या है, चेंज क्या है तुम्हारा छोटा, नेगेटिव है ना, x कम हो रहा है ना, तो चेंज क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, तो यहां पर तुमने तो नेगेटिव लिख दिया है ना इसमें, ये dx क्या है बच्चों नेगेटिव है, अरे dx क्या तुम्हारा नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा माइनस, क्यों, क्योंकि dx क्या हो रहा है बच्चों तुम्हारा, x क्या हो रहा है तुम्हारा कम हो रहा है, अरे यहां पर तो तुमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था ना, अरे तुमने कहा था सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, fdx सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था, मैंने कहा था dx में इसमें साइन भी है, क्योंकि dx क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करना होगा माइनस लगाना होगा, अब माइनस लगा दो तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहां पर प्लस जी एम बाई, ये सही नहीं सही, ठीक है, तो वहां पर मिस्टेक होती है, अब ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स आ गया बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, वीपी क्या होगा माइनस डब्ल्यू जी, अरे वो नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस जी एम बाई आर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल है, अरे आगे कई क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, ध्यान देना, एक्स जनरली क्या होता है तो राइट ले जाते हो बॉडी को, इधर ले जाते हो राइट ले जाते हो, तो एक्स क्या होता है तुम्हारा बढ़ता है, तो डीएस क्या होता है पॉजिटिव होता है, अरे जनरली क्या होता है भाई इधर जाते हो तुम एक्स डिस्क, तो इधर जाते हो डीएक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है डीएक्स पॉजिटिव होता है, तो उसमें मैटर नहीं करता, बट अभी यहां पर मैटर कर रहा है, अरे आई बात समझ, हाँ तो वन के जी लिख दिया था ना मैंने पहले, अरे वन के जी यहीं पर ले दिया था ना मैंने, ठीक है, मास से डिवाइड करना नहीं पड़ा,
नहीं तो फिर मास लेते डिवाइड कर लिख लो जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को दिक्कत है इसमें? अब मनन वाही दिक्कत अब इसी का यूज करके हम देखो सारे जो बॉडीज होंगे क्या होंगे पॉइंट मास से बिल्कुल बने होंगे। अरे यार ये बात समझ में तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हर जगह। इन्फिनिटी यहाँ पर हो गया जिम का हो गया ठीक है। एक रिंग बना लो ठीक है, रिंग का मास ले लो एम और रेडियस आर, उसकी एक्सिस पर एक्सिस टेंसर ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड कर लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल on axis of ring या खूब कुछ भी कह सकते हो ठीक है। देखो बच्चों ये ऐसी रिंग है, बताया था ये सॉलिड है, ये बाहर है प्लेन के और ये डॉटेड क्या है आपका प्लेन के अंदर है। इसका रेडियस r है, इसका मास क्या है m ठीक है। इसकी एक्सिस मतलब क्या है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है। यहां पर ये पॉइंट P है, ये सेंटर से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पता करना है। और यार ये बात समझो पोटेंशियल स्केलर है, डायरेक्ट यूज हो सकते हो देखो बच्चों देख लो ऐसा सिस्टम बता चुका हूं मैं पहली बार जब फील्ड फील्ड ड्राइव की थी नहीं की थी ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा है ठीक है, यहां पर ये रिंग है तो ये एक्सेस ये आपकी जो पेन है इसके नाम है, यहां पर मतलब टिप पर आपको फाइंड करना है ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो होगी बच्चों प्रत्येक की तरह Thank you.
देखो बच्चों ये मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है नहीं फिक्स है? अरे सारे मासेस के लिए फिक्स है, देखो अरे सारे मासेस के लिए सेम है कि नहीं है? यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों तुम्हारा आर और ये क्या है एक्स, तो डिस्टेंस तो ये हुई ना, मैं करो ये जो तुम्हारी लिंक स्टार वाली अरे ये वाली जो ब्लू पेन की लेंथ दिख रहा है ना उसी पेन की लेंथ है, अरे भाई मास इधर है ना रिंग पर और ये क्या है तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो यही है ना, ये डिस्टेंस ये वाली ये डिस्टेंस है ना मास से इस पॉइंट की, तो ये बताओ क्या हो गया बैठो, ये क्या है बच्चों तुम्हारा आर और ये क्या है एक्स, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ 90 डिग्री है ना, तो क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे भाई आर कांस्टेंट है और एक्स कांस्टेंट है तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट है, तो सारे मासेस के लिए कांस्टेंट नहीं है, अरे है ना, मान लो एक पॉइंट मास मान लो बच्चों यहाँ पर इसका मास क्या है मान लो डीएम, क्या मान लो डीएम, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा छोटा पोटेंशियल डी वो क्या होगा, अरे भाई पॉइंट मास का पोटेंशियल क्या होता है माइनस जीएम बाई आर होता है नहीं होता, अरे ये होता है ना, अरे भी तो डेराइव किया तो एम की जगह क्या आ जाएगा डीएम, अरे अरे नहीं आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या बताओ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यही है ना बच्चों, अरे यही है ना, ठीक है अब क्या करोगे, अरे स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन भी नहीं देखना है देखो नहीं सही, तो क्या करोगे आप जी कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे, ये भी क्या तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डीएम, यहाँ पर क्या आ जाएगा वी, तो कितना आ जाएगा माइनस जी टोटल मास, अरे भाई ये क्या है टोटल मास, तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों पोटेंशियल वी पी, तो सारे जो मासेस थे सारे पॉइंट मासेस क्या थे इतनी डिस्टेंस दूर थे, तो सारे मासेस को जोड़ दो कितना आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फील्ड के लिए कर रहे थे डायरेक्शन ऐसे दिया क्योंकि वहां पर डायरेक्शन ये इधर अट्रैक्ट कर रहा था ना, ठीक है ना, तो फिर अभी फोर्स से वर्क निकाल के फिर करेंगे तब भी तो पॉसिबल होगा, नहीं डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा डॉट प्रोडक्ट अभी इनफिनिट से भी कर सकते हो, इनफिनिट से इस पॉइंट पर ले आओ, ठीक है ना, ये पता है तुमको इंटीग्रेट करो, ठीक है बहुत लंबा रहेगा, अरे आ जाएगा उससे भी, ठीक है सेम आंसर आएगा, बट ध्यान देना उसमें भी डी एक्स निगेटिव लेगा, अरे इधर ले आओगे ना उसमें भी डी एक्स निगेटिव लेगा, अरे आ गया सभी का लिख लिया, थीटा कहाँ वेरिएबल, हाँ उसमें वेरिएबल होगा उसमें, हाँ उस वाले में वेरिएबल होगा, काफी लेंथी होगा इसीलिए क्या किया हमने यूनिट मास को फाइंड कर लिया, उसके बाद ये आराम से कर लिए, ठीक है चेंज कर दिया, ठीक ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है अगर मान लो आपका एक हेक्सागन है बच्चों, ठीक है बना लो ऐसा ठीक ठाक बनाना, ये मैंने हेक्सागन लग नहीं रहा है, मान लो सारे क्या है हेक्सागन बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप होता है, ठीक है कई बार तुमको तो एग्जाम वगैरह में हेक्सागन मिलता है, क्यों बताओ इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी बताओ भाई, अरे सारी रेगुलर मतलब रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड सेम लेंथ की, हाँ देखो एंगल्स क्या होते हैं बच्चों इंटरनल एंगल का सब क्या होता है माइनस टू इंटू एन कितना है सिक्स कितना जाएगा 720, अब छह एंगल जो है वो 720 है तो एक एंगल कितना होगा 120, 120 का आधा क्या होगा 60, तो ये देखो ये जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं
60 बनते हैं, ये भी कितना हुआ 60। और आपको पता क्या है कि जो सारे ये कितना है 360 और कितनी साइड्स है 6, तो एक साइड कितना बनाएगी 60। तो ये सारे एंगल क्या होते हैं 60, तो ये ट्रायंगल बनता है। तो सेंटर, अगर साइड ए है, सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी ए, क्योंकि है क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे आई बस समझ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं याद रखना, अगर साइड लेंथ है या सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी ए, बाकी सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। अब करो, लिख लिया ना क्वेश्चन, लिखो फाइंड पोटेंशियल एंड फील्ड, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर। ओ यहाँ पर मान लो सेंटर है बच्चों, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर ओ। साइड लेंथ ही मान लेना बच्चों, साइड लेंथ ये, ठीक है, साइड लेंथ क्या है ये। फील्ड कितना आएगी बच्चों, अरे फील्ड कितना आएगी, सॉल्व नहीं करना भाई, कितना ही फील्ड जीरो है, जीरो है, क्यों, क्योंकि टीम में पॉजिटिव नेगेटिव चांस हो जाएंगे। हां पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो स्पेक्टर क्वांटिटी होती है। हां पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं वो आप ऑपोजिट साइड, हां ऑपोजिट साइड ये भाई देखो, फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर फील्ड का इसके कारण क्या होगी, फील्ड इधर होगी, अरे सेम डिस्टेंस है ना, तो मान लो ये ई इधर है, तो ये भी क्या होगा, यही फील्ड लगाएगा बच्चों। ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी क्या है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट कितना आ जाएगा, जीरो। ये कितना आएगा, जीरो। अच्छा क्या पेंटागन होता जीरो आता, उसमें डायमेट्रिकल अपोजिट नहीं बनता, क्या आता जीरो, सोचिए आता थोड़ा और देखने करता हूँ, जीरो है नहीं है, सेंटर के अराउंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सेंटर के अराउंड मास है, उसमें थोड़ी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पेंटागन में थोड़ी होगा, इसमें देखो तुम्हारा इक्वल अपोजिट बन रहा है, उसमें नहीं होगा, पेंटागन में थोड़ी होगा अपोजिट, ऐसा होगा, इसके अपोजिट कहाँ आ रहा है, अरे क्या होता है बच्चे देखो, ये जो है इनकी बीच एंगल कितना है बताओ, इन सारे वेक्टर्स के बीच का कितना है तुम्हारा 60 है, यहाँ पर वेक्टर्स देखो इनकी बीच एंगल कितना है 60 है। अरे भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एंगल नहीं लेंगे, जहां पर दोनों का हेड होता है, इसका हेड किधर है इधर, इसका हेड किधर है इधर, तो ये एंगल कितना है 60, सारे वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 60। तो अगर देखो ये सारे जो वेक्टर्स है ना बच्चों, ये है 6 वेक्टर, 1 2 3 4 5 6, तो सारे वेक्टर्स को अगर अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, हेक्सागन बन जाएगा बच्चों, क्या बना दिया सेंटर का, अरे सारे वेक्टर्स को अरेंज करोगे क्या बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा, क्या आ जाएगा ये जीरो। अरे बताया था ना भाई, जहां से शुरुआत कर रहे हो वहीं पर पहुंच रहे हो, तो नेट क्या आएगा जीरो। पेंटागन में भी क्या आएगा बच्चों, ऐसे करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल है जब वेक्टर्स को अरेंज करोगे फिर भी क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, इसमें भी क्या आएगा जीरो। अब जो ये कह रहा है वेक्टर एंगल कंपोनेंट लेकर करेंगे, कंपोनेंट लेकर करो तो नप जाओगे, क्यों बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, एंगल कितना आएगा 72 आएगा, उसका कंपोनेंट तुम नहीं जानते, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, अगर पेंटागन भी हो तो कितना आता,
जीरो, ठीक है ना, हेप्टा होता है ना सेवन, हेप्टा में भी कितना आता है जीरो आता है। अरे हर केस में क्या आता है जीरो आता है, ध्यान देना। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, उसमें बस यहाँ पर मासे जगह रख दिए, चार्जेस रखे गए थे, मैं काफी देर परेशान था उसमें, कंपोनेंट वगैरह से कर रहा था, अल्टीमेटली जीरो आया। बट सोचो आपको शॉर्टकट ही पता होना चाहिए ना, अदरवाइज उस तरह करने से फायदा क्या, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ले लूंगा, ये आ गया फील्ड कितनी आएगी बच्चों, जीरो, चाहे पेंटागन नहीं होता तो फिर भी कितनी आती, जीरो आती। अब पोटेंशियल क्या होता, स्केलर क्वांटिटी होता, कितना आएगा पोटेंशियल बताओ, यूनिट कितना आएगा, अरे भाई सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी नहीं होगी, अभी तो बताया। एक मास से कार्ड कितना होता है, माइनस जी एम बाई आर, एक को कितने मासेस हैं, छह, तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स जी एम बाई, अरे डायरेक्ट जोड़ दो ना भाई, इसमें तो डायरेक्शन देखनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स जी एम बाई। अरे आ गया, फील्ड तो होगी उसमें डायरेक्शन, इसमें नहीं होती, आई बात समझ में। चेंज कर दो, फिर डाल दो ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, उसी की तरह टाइप हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। देख क्या होगा इसमें, बच्चे डराइव नहीं करेंगे, इसमें दो आपका पॉइंट की लोकेशन होगी, ठीक है, क्या होगा, एक तो इनसाइड होगा, दूसरा क्या होगा आउटसाइड। मान लो इसका मास क्या है m, रेडियस क्या है बच्चों r, ठीक है, तो पहला लोकेशन, पहला देखते हैं r ग्रेटर देन r, मतलब बाहर के लिए देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, पॉइंट क्या तुम्हारा बाहर। तो इस केस में बताओ जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, बाहर केस में क्या होगा बच्चों, क्या मानते हैं शेल वगैरह में, पॉइंट मास मान लेते हैं, नहीं मान लेते, सारा मास कहां पर होता है, सेंटर पर, तो मान लो सारा काम, सारा मास क्या है सेंटर पर, डिस्टेंस क्या इनके बीच की r, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सरफेस पर कितना होगा, एट सरफेस स्मॉलर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल r, तो v सरफेस कितना आ जाएगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या बता रहा है, ये जी लिखा है मैंने मेरी अपनी लैंग्वेज में, माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, ये बता रहा है तुमको कि जब तुमने इनफाइनाइट से यहां पर ले आया यूनिट मास, तो कितना काम करना पड़ा बच्चों आपको, माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। अब अंदर सोचो, क्या जब अंदर घुस जाओगे तो कोई तुमको काम करना पड़ेगा क्या, शेल के अंदर घुस गए मान लो, कोई काम करना पड़ेगा, क्यों, अंदर फील्ड जीरो है, अरे अंदर फील्ड क्या है, जीरो है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू ही, अरे ये होता नहीं होता, अरे भाई जब अंदर फील्ड ही जीरो है तो अंदर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं, तो जो यहां तक काम किया था उतना ही काम रहेगा, अरे भाई जो यहां तक ला रहे इसके बाहर तो फील्ड थी, तो तुमने फोर्स लग रहा था तो तुमने वर्क डन किया, सरफेस पर ले आए कितना हुआ, माइनस जी एम बाई आर, उसके अंदर अगर ले जाओगे तो कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, कोई वर्क डन हो रहा है क्या, नहीं, तो जो पहले जो काम किया था वही अंदर भी होगा, एक्स्ट्रा तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो अंदर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अरे जो सरफेस पर है वही नहीं होगा बच्चों, अंदर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो क्या, नहीं, माइनस जी एम बाई आर,
अरे आई हुआ समझ में? इसे ग्राफ बना दो बच्चों, कैसे बनेगा ध्यान देना। कई बार क्या लेते हैं बी को, जो यहाँ पर साइन इग्नोर कर देते हैं, है तो निगेटिव में, ठीक है। कई बार इसको पॉजिटिव वाई पर दिखाते हैं, कई बार निगेटिव वाई पर दिखा देते हैं, क्या बनेगा बात बना के बताओ। उसे ग्राफ बना सकते हो, अरे एक तो अंदर के लिए बनाओगे, ये क्या है तुम्हारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसके बाद बाहर क्या हो रहा है, वन वाई आर से घट रहा है, बनाओ। अरे वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ बच्चों, अटेम्प्ट तो करो, नाटक मत काटो, बनाओ बनाओ सर। नहीं पहले का ना हो, एक साइड टेंशन इस साइड जो होगा, अगर वर्क डन जीरो तो फिर माइनस डब्ल्यू जीरो नहीं हो जाएगा। अच्छा सोचो, यहाँ पर ले आने में पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर ले आने में कितना काम करना पड़ता है, ये होगा नेगेटिव आउटर में। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ले आने में कितना काम करना पड़ता तुमको, माइनस जी एम बाई आर। उसके बाद और ले आए तो यहाँ तक कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, तो ये यहाँ तक का काम था वही है, ठीक है। कितना है अंदर ही पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट माइनस जी एम बाई आर। किसी ने बनाया? अरे बना लो यार आराम से आसान से, क्या होगा बच्चों ऐसा बना है, किसी ने दिखाओ दिखाओ, अंदर वाला ही बना दो, अंदर वाला कांस्टेंट है वो तो और ही आसान है। कांस्टेंट क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या बनेगा? अरे ऐसा होगा ना, ये कांस्टेंट है कहां तक, आर इक्वल टू आर तक, उसके बाद क्या है, ये क्या है बच्चों? अब देखो हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल में इसको ऐसा बना दे रखा हो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना बच्चों, ऐसा बना दे रखा हो, ठीक है। तो सेम बात है समझ लेना, ठीक है, कई जगह ऐसे बनाते कई जगह ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा कम अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे अरे आई बात समझ में, अरे डाल लो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बच्चों, यहां पर ऐसा बना लेना कि शेडेड मतलब मास है, यहां पर क्या है रेडियस आर है और ये क्या है मास है। तो क्या बच्चों बाहर के लिए कोई चेंज आया क्या, अगर पॉइंट बाहर है तो कोई चेंज आया क्या? अरे बोलो पॉइंट मास मान, अरे पॉइंट मास मान लेंगे ना बाहर के लिए तो, अरे बाहर के लिए तो पॉइंट मास मानते नहीं मानते बच्चों। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। सरफेस पर क्या होगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। अब देखो अंदर ले जाओगे बच्चों तभी आपका अंदर मास है, अंदर फील्ड भी होती है ना इसमें, अरे होती नहीं होती, अंदर आपका वर्क डन भी होगा तभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंट होगा अंदर, ठीक है। अरे अंदर के पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, कौन सा बताओ आसान वाला डिफरेंट वाला, दोनों आसान है वैसे, दोनों अपने को डिफिकल्टी पर डिपेंड करते हैं, दोनों सेम ही है बस, दोनों सेम है, दोनों ही आसान है, दोनों बता दो, ये बेस्ट आंसर है, ये जो सीखना नहीं चाहते। दूसरा देखो बच्चों दोनों वास्तव में सेम है, अगर ढंग से सोचो तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, राइट, क्या होता है डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो मान लो तुमको यहां से r डिस्टेंस पर बच्चों पोटेंशियल पता करना है, r डिस्टेंस पोटेंशियल पता करना है, तो देखो ये जो है इसको गुलाबी कर देते हैं, ये जो गुलाबी वाला मास है उसके क्या है, ये बाहर है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है बच्चों गुलाबी वाले मास से क्या है बाहर है, और जो आपका हरा है उसके क्या है बच्चों अंदर है,
अरे यार ये बात समझ में, तो अगर मैं अंदर वाले का जोड़ दूं प्लस बाहर वाले का जोड़ दूं तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अरे स्केलर होती है ना, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो वी नेट क्या होगा बच्चों, वीपी क्या होगा? अरे बोल दो, वी इन प्लस वी आउट। इन वाले क्या होगा बच्चों, देखो पूरा मास क्या है, एम है, रेडियस क्या है, आर है। देखो इसके तो क्या है बच्चों, बाहर है, बाहर पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर। अरे होता नहीं होता, क्या होगा माइनस जी एम टू मास इन साइड, ध्यान देना, अंदर वाले गोले का मास अपॉन आर। आउटसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको शेल का कॉम्बिनेशन मान सकते हो बच्चों, क्या मान सकते हो? शेल का कॉम्बिनेशन। यहां से क्या करो, एक्स डिस्टेंस पर क्या ले लो, एक शेल ले लो जिसकी थिकनेस क्या है dx। अरे क्या ले लो थिकनेस इसकी dx, इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों? मान लो डेंसिटी क्या है रो, डेंसिटी क्या है रो, रो क्या होगा डेंसिटी m अपॉन 4 पाई / 3। अरे अरे मास का यूनिट वॉल्यूम ना, मास यूनिट वॉल्यूम p होगा। ओके इसका मास कितना होगा बच्चों? अरे भाई वॉल्यूम कितना है इसका? 4 पाई x स्क्वायर dx। वॉल्यूम कितना है शेल का? अरे बताया था भाई सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई x स्क्वायर, और थिकनेस कितना है dx। वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई x स्क्वायर * dx। मास कितना होगा? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखोगे यहां पर? देखो शेल है बच्चों, शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर अगर सेल की रेडियस r है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? माइनस gm / r। इसकी रेडियस क्या है बच्चों? x। तो अंदर के हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? माइनस जी एम बाई एक्स। तो क्या लिखोगे? माइनस जी इंटू एम इन साइड क्या होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर रो डी एक्स अपॉन एक्स। सही होगा ना? ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर माइनस आएगा ना, रहेंगे एम इन साइड कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, डेंसिटी कितना है m by 4 by 3 r की। अरे भाई m इनसाइड क्या करोगे? वॉल्यूम कितना है बच्चों अंदर वाले स्फीयर का? 4 by 3 r। और डेंसिटी कितना है? ये 4 by 3 4 by 3 कट जाएगा, कितना आ गया m r cube by। ठीक है, क्या आ जाएगा v? क्या लिखोगे? माइनस जी एम आर क्यूब बाई आर क्यूब, और यहां पर क्या होगा? आर था ना, माइनस जी एम बाई आर, और यहां पर क्या था बच्चों? माइनस 4 पाई जी एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? कट कर देगा, क्या बचेगा ऊपर? एक्स बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा? एक्स। तो क्या होगा बच्चों? माइनस 4 पाई जीरो एक्स डी एक्स। x की वैल्यू कहां से कहां बैठ गई बताओ? हाँ, x की वैल्यू कहां से कहां बैठ गई? हाँ, स्मॉल r से कैपिटल r। अरे भाई इसके बाहर ले रहे हैं ना, सबसे छोटा सबसे कम रेडियस वाला, सबसे कम x कहां हो सकता है? r पर, और सबसे बड़ा क्या होगा? कैपिटल r पर। तो क्या होगा यहाँ पर? स्मॉल r से कैपिटल r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स डी एक्स क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू। क्या होगा? माइनस 4 पाई जीरो कर दे रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू। यहां पर क्या है? स्मॉल आर, और यहां पर क्या है? कैपिटल आर। वैल्यू रख दो, माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यू। ठीक है, और ये क्या बच्चों आपका? माइनस 4 पाई जी, ये क्या है? 4 पाई बाई 3 आर क्यू, ये तो था डेंसिटी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा। अरे 3 ऊपर चला जाएगा ना, और यहां पर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई, तो कितना आ गया ये? माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये कितना हो गया? माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
अरे वो हाँ अरे सॉरी ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर नहीं आएगा थ्री ऊपर पहले वाले ठीक। देखो यहाँ पर कर सकते हैं टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, अरे कर सकते हो ना सेम, तो क्या ले लो माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो ना। यहाँ पर क्या बच्चों माइनस टू आर स्क्वायर आया है, क्या है यहाँ से माइनस टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या आएगा प्लस थ्री आर स्क्वायर, अरे माइनस थ्री है यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर क्या प्लस थ्री आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस थ्री आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका देखो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस थ्री आर स्क्वायर। अरे सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, अरे ये था मैंने अंदर इसको माइनस को इग्नोर किया था, या ऐसा कर लो माइनस बाहर ले लो बच्चों, अरे क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव थी ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक और तरीका हो तो वो बता दे रहा हूँ ठीक है, वो कर लेना। सबको अंदर फील्ड पता है बच्चों डी वी क्या होता है माइनस पी डॉट बी आर, अरे ये तो नहीं होता ठीक है, तुमको क्या पता है सरफेस से पता है, तुमको आर डिस्टेंस से पता करना है। मान लो ये बच्चों क्या है वी आर, और यहाँ पर तुमको क्या पता करना है वी स्मॉल आर, इन साइड क्या होता है बच्चों जी एम आर अपॉन आर, अबे हम साइन इग्नोर कर रहे हैं ठीक है, अरे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जी एम आर बाई आर क्यू। अब यहाँ पर वैल्यू रखना, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका कैपिटल आर यहाँ पर क्या रखना स्मॉल आर, तो उससे भी आ जाएगा ये दो मेथड से। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, वो क्या था डायरेक्ट ऐड कर दिए थे ठीक है, लेकिन ये मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। अब हाँ ये ज़्यादा ये समझने में आसान है ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा समझने में नहीं, मुझे समझ में आती है तुम्हारे, अरे लिख लो वी बी क्या हुआ वी इन प्लस वी आउट, जल्दी लिखो सिर्फ यही दो लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, डायग्राम बना लेना और ढंग का बनाना। यहाँ पर सारी इंटीग्रेट कर लेना, पहले क्या लिख रहा तुम लेफ्ट वाला उसके बाद राइट वाला, यहां तक लिखना उसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखना, अरे भाई उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हो ना, उसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखना मैंने ये लिखवाया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, बिल्कुल लिखवाया बोला था क्या मैंने बोला तो था मतलब क्लास में जहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिखवाया है अपन ने लिखवाया ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास नहीं लिखवाया ठीक है लिख लो उसके बाद पहले लिख लो उसके बाद लिख लेना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास
लिख लिया यस सर तू अब भी लिख लो जल्दी से यस लिख लिया यस सारे बच्चों ने लिख लिया ठीक है इंटरनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसी से रिलेटेड है इसीलिए बता रहा हूँ ठीक है ना नहीं तो स्किप हो जाएगा अगले लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती कैसे है फॉर एग्जांपल अगर तुम यहां पर हो ठीक है यहाँ पर आया ग्राउंड फ्लोर से लेकर आया नहीं आया yes. अभी तुम्हारी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है मान लो छत से कूद जाओ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी नीचे पहुंचोगे क्यों तुमने ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट काम किया है अरे भाई कोई मास एम है इसको तुम हाइट पर रख रहे हो तो इसकी एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच क्यों अरे भाई क्योंकि एम जी नीचे लग रहा था जब एच हाइट ऊपर ले गए तो वो डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स कितना हुआ माइनस एम जी एच अरे भाई फोर्स नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर इसका निगेटिव ले लोगे क्या हो जाएगा माइनस आगे लगाना होता है डब्ल्यू जी क्या हो जाएगा यही क्या बच्चा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था ठीक है ना ये जगह जीरो मान लो सरफेस पर जीरो मान लो क्या हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या सिस्टम की तुम जो ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट वर्क कर रहे हो सिस्टम को ले आने में मान लो तुम ऊपर आए ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट काम की नहीं किए अरे सीढ़ी चढ़ने में तुमको दम लगता नहीं लगता क्यों ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो तो वही जो वर्क है वो क्या होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है इस मास को यहां से यहां पर ले गए तुमने ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट काम किया ना वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ ठीक है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वर्क डन टू कंपोज द सिस्टम ठीक है ना सिस्टम को कंपोज करने में जो काम करना पड़ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट वही क्या हुआ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी नेगेटिव ऑफ कॉन्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज सॉरी यार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई सिस्टम सॉरी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स हां अगेंस्ट ग्रेविटेशन हां अगेंस्ट मतलब नेगेटिव वही बोल ठीक है दैट्स नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स टू कंपोज द सिस्टम टू कंपोज द सिस्टम ठीक है अरे आगे बात समझ में तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स टू कंपोज द सिस्टम ठीक है इन डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम potential energy of two mass system potential energy of two mass system ठीक है मान लो बच्चों दो masses हैं m1 और m2 इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r इस सिस्टम की potential energy पता करना है ठीक है अब इमेजिन करो सिस्टम बच्चों कंपोज कैसे हुआ होगा सबसे पहले तुमने कुछ नहीं था अभी कुछ नहीं था सबसे पहले तुम क्या लाए होंगे M1 को लाए हो तो भाई कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं कोई फोर्स है क्या नहीं कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या नहीं तभी वर्क डन कितना हुआ बच्चों M1 को ले आने में जीरो अरे वर्क डन कितना हुआ बच्चों जीरो M1 आ गया बट अगर M2 को भी ले आओगे तो अभी तुमको वर्क डन करना पड़ेगा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बच्चों क्यों अरे भाई M1 अभी फोर्स लाए नहीं लाएगा ठीक है लाए नहीं लाएगा अब बताओ देखो अगर यूनिट मास को ले आते यहां पर अगर यूनिट मास को ले आते यहां पर तो कितना काम करना पड़ता याद है अभी किया था बच्चों अरे GM by R आया था नहीं आया था GM1 by R वो पोटेंशियल माइनस से आया था वर्क डन पॉजिटिव आया था वर्क डन पॉजिटिव आया था नहीं आया था कितना आया था बच्चों यूनिट मास को ले आने में GM1 by R छोटे छोटे M2 ठीक है
एक को ले आने में इतना काम करना पड़ा, कितने को ले आ रहे हो तुम? एम दो एम टू को, तो कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? जी एम टू आया जी एम वन एम टू बाई आर। ये क्या हुआ बच्चों आपका डब्ल्यू टी? तो देखो नेट कितना आया बच्चों, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन तो जीरो है, क्या आ गया जी एम वन एम टू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस कर दू जी, तो कितना होगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। अब मैंने पोटेंशियल लिखाया था, क्या लिखाया था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। अगर एम टू को यूनिट रख दो तो क्या आ जाएगा माइनस जी एम वन बाई आर। तुमने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं कर दिया, तो क्या हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो अब दूसरा भी करेंगे, सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, पोटेंशियल को मास से लिखा इतना। लिख लो जल्दी से, डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है लिखा। अगर मान लो तीन लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री मास सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री मास सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री मास सिस्टम छोड़ रहे हैं बच्चों एम वन एम टू और एम थ्री, ये रिलेटेड था इसीलिए बता रहा था, ठीक है। ये मान लो एम वन एम टू के बीच की डिस्टेंस आर वन है, एम टू एम टू के थ्री के बीच की डिस्टेंस आर टू है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है आर थ्री है। अब देखो डायरेक्ट मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एम वन को ले आने में कितना काम करना पड़ रहा होगा बच्चों? जीरो। पहला लाइन तो भाई सिर्फ, बाकी तो कोई है ही नहीं, अरे सिर्फ एम वन है ना अभी, ठीक है ना। और फिर क्या लाओगे बच्चों तुम? एम टू ले आओगे, एम थ्री नहीं है, तो कितना काम करना पड़ेगा? ठीक है, ऐसा समझ लो, जब सिर्फ एम वन को ले आए तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ठीक है, ठीक है। जब एम टू को ले आए तो एम थ्री तो था नहीं, यूनिट मास को ले आते कितना काम करना पड़ता है यहाँ पर? जी एम वन बाई आर वन, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अरे भाई यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहाँ पर? जी एम वन बाई आर वन। एम टू की एनर्जी क्या होगी? जी एम वन एम टू बाई आर वन, ठीक है। अभी क्या ला रहे हैं बच्चों? सिर्फ एम थ्री ला रहे हैं, तो अभी एम वन और एम टू दोनों फोर्स लगाएंगे, यूनिट मास को ले आने में जो काम करना पड़ा वो पोटेंशियल होगा यहाँ का, क्या होगा पोटेंशियल यहाँ का? माइनस जी एम वन अपॉन एम वन से कितनी डिस्टेंस है आर थ्री, और एम टू से कितना डिस्टेंस है आर टू। तो इतना काम करना पड़ता बच्चों जब किसको लाते, यूनिट मास को ले आते। कितने को ले आ रहे हो आप? एम थ्री को ले आ रहे हो, तो कितना होगा? एम थ्री से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा? माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर थ्री माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर टू। अरे आ गया ना भाई, सबसे पहले एम वन को ले आए तो जीरो, जब एम टू को ले आए तो क्या हुआ बच्चों? यूनिट मास को ले आने में कितना काम करना पड़ता है? माइनस जी एम वन बाई आर वन, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आती है यूनिट मास की, एम टू कितनी आएगी? एम टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो हो क्या रहा है बच्चों, तीनों को जोड़ दो तो क्या आ रहा है? जी एम वन बाई एम वन एम टू बाई आर वन, अभी देख लेना यूनिट कितना आ रहा है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर टू और माइनस जी एम थ्री एम वन बाई आर थ्री। देखो जितने पेयर बन रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अरे भाई एम वन एम टू एम टू एम थ्री और एम थ्री एम वन सारे पेयर बन रहे, पेयर का बच चुका था होमवर्क लिख लो। चार सिस्टम में मान लो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ए बी, अच्छा लिखो सारे ए ले लो, स्क्वायर ले लो, क्या है
स्क्वायर, और एक ले लो ये क्यू, इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुमको बताना है। हाँ ये क्या है ए, ठीक है, अरे क्यूब की साइड क्या है बच्चों ए, इन दोनों सिस्टम की तुमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ठीक है। हाँ हर वर्टेक्स पर है, अरे हर वर्टेक्स पर है, ठीक है, यानी सारे पेयर करना है। ओके थैंक यू, वेलकम, लिख लिया ये तो था, मैंने लिखा था। Gracias.